सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फ्रेंड्स, मैं हरजिंदर कौर श्री अमृतसर साहब जी तो वेलकम टू एच के गार्डन एंड ब्लॉग्स। वीडियो की शुरुआत सोने जी पाचू लाका रानी कलर के फ्लावर्स देखो कितना सोहना मेरा पॉट भरया होया है। तो अज का मेरा टॉपिक हैगा जी ये वडेलिया प्लांट। ये वाइन प्लांट भी हुंदा है, तो जिस तरह की मर्जी इनू शेप बना सकते हैं। ये वडेलिया प्लांट मैं ना छोटी जी कटिंग लैके आई सी रोड साइड तो लैके आई सी, सिर्फ इन्नी होनी 3-4 इंच की। मैं लगाया सी ते बहुत जल्दी ग्रो हो गया, बहुत सोहना ये मेरे सारे पॉट भरया पे सारा। ये तो इनू असी वेल भी बना सकते हैं, तो इनू असी हैंगिंग बास्केट भी लगा सकते हैं। तो आओ ये केयर की थोड़ी जी गल करिए, देखो किन्ने सोहने ये सनफ्लावर वर्गे फ्लावर्स देखो किन्ने सोहने। तो ये पत्तियां की शेप देखो किन्नी प्यारी, देखो मैंने पत्तियां की शेप बहुत ही सोहनी लगी। यदि काफ़ी हेल्दी प्लांट हैगा, ये 12 महीने फुल देने वाला है। सिर्फ एक अद्धा महीना भावें 1 महीना से ज़्यादा ठंड में शायद ना चले, पर ये सारा साल सानू फ्लावरिंग दिंदा रहिंदा। येलो कलर के फ्लावर ग्रीन ग्रीन विच बहुत सोहने लगते हैं। एवें ना थोड़ा जहा इनू इस तरह का टी शेप दिता हुआ है। एवें इत्थे नाल बांस दे नाल सहारा दिता इनू बन बन के इस तरह दिता है। केयर बहुत आसान है दी, जिस तरह की भी मिर्ची मिट्टी विच लगा दो। अगर तुहाडी मिट्टी साल्टी है ना, जिस तरह कई बार होंदी है मिट्टी खराब होंदी है, खराब मिट्टी भी बड़े वधिया ये लग जाता बहुत। बस एक सिर्फ इनू पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा होंदी है, बिल्कुल भी ये पानी नू मिस नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी जी भी पानी की यदि कमी रह जाए तो यदियाँ पत्तियां उस वेले बेजान जीयां हो जांदियां ने, ते नाल दी नाल ये पत्तियां यदियाँ सुक के ते डिगन लग जांदियां ने। बाकी ये कभी कभी इस तरह के ना मिली बॉक्स लग जाते हैं। अगर तुसी इहदा ट्रीटमेंट करना चाहते तो नीम ऑयल में थोड़ा जा अपना कोई भी साबण दा पा लो, चाहे कोई लिक्विड साबण पा लो, उन पा के थोड़ा जा तो उन्हों स्प्रे करो ये ते लगा दें। मैं तो अगर थोड़ा जा भी मैं दिखाई दे तो उस वेले मैं रिमूव कर दिनी इस तरह करके, यदा पता लग जाता ये ना कीड़ियाँ आने लग पैंदियाँ। फिर यह जड़े होंगे है ना वाइट वाइट कलर वाले, आ वाइट जड़ा है इन्हों खाने वास्ते कीड़ियाँ आदि ने। तो कित भी हो मैं नाल दी नाल ही उतार दिनी हाँ, मैनू उस वेले नज़र आ जाता, क्योंकि गार्डनिंग देखते रहिए ना तो पता लग जाता साढ़े प्लांट नू की बीमारी हैगी है, नाल दी नाल पता चल जाता है। तो देखो अगर इनू असी हैंगिंग बास्केट बनावे ना तो फिर ये पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पैंदा, क्योंकि इनू पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होंदी है। तो अगर यदि ज़्यादा फ्लारिंग असी चाहते हैं ना, तो कम से कम मैनू 5-6 घंटे दी रखे। वैसे तो शेड च भी चल जाता वा, शेड च भी चल जाता, हाफ डे सनलाइट भी चल जाता है, फुल सनलाइट तो बिल्कुल यदि ब्लूमिंग खत्म ही नहीं होंगी। इस तरह ना बाद शेड्स भी बनते हैं, इस तरह शेड्स निकलते हैं इस तरह ना। अजे थोड़े कच्चे ने आ नहीं रहे है, तो सीड्स भी ये बन जाते सीड्स तो भी, पर कटिंग तो बिल्कुल बड़ा आसानी नाल तैयार हो जाता। इस तरह का एक नोड एरिया इतों लै लवे इस तरह कट के, थोड़ी जी ना सिल्की जी है यदि टाणी कट के ही होंगी, इन्नी टाणी कटिंग करके ए वाला नोड एरिया होंगे, ये पत्ते रिमूव कर देने हैं, तो इनू मिट्टी में इंसर्ट कर देना। उस तो बाद बस अपने आप ही ये चल जाता सारा, बहुत वधिया ग्रो हो जाता है। तो मैनू तो बहुत प्यारा लगता है प्लांट। देखो मैं तो छोटी जी कटिंग लगाई सी तो सारा फैल गया वा, एक मैं ना हैंगिंग बास्केट भी लगाया इनू उपर चुका, ये सारा थले फैला हुआ सी इस तरह करके, तो हुण इनू उपर चुकया। मैं तुहानू हैंगिंग बास्केट वाला भी विखांदी हाँ। देखो एक मैं ना बेकार पॉलीथीन च लगा दिता सी, देखो ये लेंथ देखो किन्नी है, 5-6 फुट तक के पहुंच गया वा। बास्केट च लगाउण वास्ते बस एक ध्यान रखना आ, इहदा पानी नहीं सुकना चाहिए, फिर इहदी ग्रीनरी बनी रहेगी। ग्रीनरी इस टाइम बनी रहिंदी जिन्नी मर्जी धुप च रख दो, पत्ते नहीं इहदे बिल्कुल भी खराब हुंदे हैगे। तो ये बहुत प्यारा प्लांट है, सानू हर एक नू लगाना चाहिए वैसे।
ये पिछले साल ना इत्थे बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया सी, ते सारी आ ना दीवार सारी इहदी इहदे नाल ही भर गई सीगी, ते मैं तकरीबन इहनू कढ दित्ता सी सारा, फिर भी पता नहीं कित्थे माड़ी मोटी कित्थे इहदी जड़ रह गई होनी है। ते इत्थों ये ग्रो हुंदा हुंदा होया, देखो किन्नी लम्मी इहदी जड़ चली गई है। ते इस तरह ना ये अगे अगे ना मिट्टी च ग्रो हुंदा जांदा, इस तरह देखो इहदियां जड़ां जड़ा इहदियां इस तरह बनदियां ने। इस तरह ही असीं ग्रो कर सकते इहनूं, आ बस अगर मिट्टी विच लटा दईए ना असीं इस तरह करके, आ देखो जड़ां इहदियां किन्नियां, इस तरह मिट्टी च लटा दईए तां वी इहने चल पैणा है, बहुत आसानी नाल इह ग्रो हो जांदा है। तो ग्रीन विच येलो कलर दे फ्लावर्स बहुत सोहने लगते हैं। तो अगर इस तरह का कोई तुहाडे वड्डा गार्डन है ना, इस तरह का कोई मिट्टी का ढेर बना लवे, ये तो मैं इत्थों उठाना ही है, मैं तो इत्थे रहन नहीं देना है। वड्डा ढेर बना के ना उपर, तो उहदे उपर ना इहनू लगा देवे, तो इस तरह गोल 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 चलेगा, तो बहुत सोहनी छोटी जी पहाड़ी बन जाती, बहुत सोहना। वैसे मैं कभी देखूँगी कित टाइम मिलिया जां जगह मिली, मैनू कोई जगह का इंतजाम होएगा तो मैं जरूर इनू इस तरह का करके ना ये जरूर बनाऊंगी। ये वडेलिया एक ना आयुर्वेदिक प्लांट भी हैगा है, इतने काफ़ी आयुर्वेदिक फायदे ने। लोग इनू कान के दर्द वास्ते भी वरतते ने, दंद के दर्द वास्ते भी वरतते ने। ये ना पत्तियां च इस तरह मसल के कहिंदे आ कि कालापन निकलता, तो इस तरह इनके पत्तियां दा रस हुंदा ना जिहड़ा, ते उहनू स्टोर करके रखते बना के किसी तरीके दे नाल, ते उहनू वालां च लगांदे आ, उहदे नाल वाले वाल काले हो जांदे आ, सुनिया है। देखो असी भी वेखांगे, मैं भी वरत के देखांगी, कभी देखते हैं इनू, तो होर भी काफ़ी ये फायदे ने, असी इनू अपने घर में जरूर लगाइए। इस तरह करके ना देखो हौली हौली ना जिस तरह काला होना शुरू हो जाता अपने कलर, मैं जरूर इनू वरत के वेखांगी। सो इन्नी कु वीडियो तुहाडे नाल मैं अज शेयर करांगी वडेलिया प्लांट दी, ते तुसी भी लगाओ सोहना जा। अगर कितों भी मिल जांदा रोड साइड तो लै आंदे हो तो उत्थों भी लगा सकते हो, अगर तुहाडे कोल किसी फ्रेंड कोल हैगा तो वह भी लगाओ। येलो कलर दे फ्लावर सोहने सोहने अपने गार्डन नूं सजाओ।